दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो या किसी भी प्रकार की कोई स्टडी करते हो तो ये वाली वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी, इसलिए अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। नंबर 7, अक्सर हर स्टूडेंट ये कोशिश करते रहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि कम समय में ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप ज्यादा समय में कम पढ़ लो। जैसे कि एक ही दिन में 10 चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप 5 दिन में 2-2 चैप्टर पढ़कर 10 चैप्टर खत्म कर दो, इससे आपको वो पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद रहेगा। नंबर 6, कोई भी इंसान पढ़ते वक्त एक ही बार में लगातार 20 मिनट से ज्यादा देरी तक नहीं पढ़ सकता, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप पढ़ते वक्त हर 20 से 25 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक जरूर लो। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे, और एक अच्छी फोकस स्टडी के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 5, जगह बदल बदल कर पढ़ना ज्यादा बेहतर होता है बार बार एक ही जगह में बैठकर पढ़ने से। कुछ रिसर्च ऐसा कहती है कि जो लोग अलग अलग जगह में बैठकर पढ़ाई करते हैं वो पढ़े हुए चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं। दोस्तों, आप भी ऐसा ट्राई करके देख सकते हैं। नंबर 4, साइंटिस्ट के मुताबिक नीले रंग के अलग अलग शेड्स हमारे दिमाग के फोकस को बहुत ही तेजी के साथ बढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ते समय या नोट्स बनाते समय आप नीले रंग के हाइलाइटर का इस्तेमाल जरूर करें और फर्क देखें। नंबर 3, ताजे फलों को खाने वाले बच्चों का IQ लेवल दूसरे बच्चों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। अगर आपके भी एग्जाम आ रहे हैं तो आप भी फ्रूट्स को अपने डाइट में ऐड कर लो, इससे आपको एग्जाम के समय वो सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। और सबसे अच्छा फ्रूट है केला। आप कोई फ्रूट खाओ या ना खाओ, लेकिन एग्जाम से पहले 2 केले जरूर खाओ, इससे आपके बॉडी को एक इनफ अमाउंट में एनर्जी के साथ साथ पोटेशियम मिलेगा जो एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2, किसी भी टॉपिक के संबंध में अगर आप जल्दी पढ़ना चाहते हो और उसे ज्यादा समय तक याद रखना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप पहले और आखिरी पैराग्राफ को पहले पढ़ें और बाकी के बचे पैराग्राफ को यानी कि बीच वाले पैराग्राफ को बाद में पढ़ें। इससे आप उस टॉपिक को अच्छे से समझने लगोगे और पढ़ा हुआ आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। दोस्तों, कम समय में इफेक्टिव पढ़ने का ये सबसे अच्छा उपाय है। नंबर 1, एक ही समय में अगर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस किया जाए तो हमारा दिमाग उसे तेजी से याद रख पाएगा। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह से एक कंप्यूटर में एक साथ जितने ज्यादा ऐप खुले रहेंगे वो उतने ही धीरे धीरे काम करेगा, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी है। आप जितना ज्यादा सब्जेक्ट एक ही साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, हमारा दिमाग उसे उतने ही धीरे धीरे समझ पाएगा या फिर समझ ही नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपके भी एग्जाम आ रहे हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं तो मेरी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और आप भी उन स्टूडेंट में से एक हो जो एग्जाम के एक दिन पहले एक ही रात में पूरा सिलेबस कवर करते हो, तो MS धोनी ने आपके लिए कुछ कहा है। तो सर, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने के? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो